एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर, गए हो ना शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति काय की होती है, मार्बल की। गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वह मंदिर में लगा जमीन पे लगा क्या है, वो भी मार्बल। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है। जब निकला, निकलने के बाद जब तराशा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई कटाई ठुकाई जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो, ने पत्थर बना दो, ने जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पूजाया, जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पूछा रही है, सास अगर पूजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पूजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है, तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहाँ तुम्हें जब पूरा तराश देगी, तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। डुकरिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभालती रहे। तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तराशेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास बहुत टाढ़ा टेढ़ा कहती, बहुत बोल दो उसको कि एक बार मत बोले। थी एक सास बहू, बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरु जी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं, मैं तो मरी जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे, तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बिल्कुल, मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले इतनी बड़ी एक अंदर से सुपाड़ी मंगवाई, मंगरोल सुपाड़ी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना, रखी रहे रात के सोता समय, वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपाड़ी दे दी, पूजन वूजन करी सो पुजाड़ी सुपाड़ी दे दी, बुबा ने सुपाड़ी, 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पाँव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी, 4 दिन 5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपाड़ी, नहीं निकालू। वो उन्हें मुंडा में सुपाड़ी रख ली, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से, मुंडा में सुपाड़ी धर के जो बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं होगी डोकरी, अभी तो यहाँ भरी सुपाड़ी पहुंच गई, अब ये तो जाए हो चुपचाप बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना, तो इसको गुस्सा तो खूब आया, पर मुंडा में तो सुपाड़ी उसी को कतर रही, सुपाड़ी भी बड़ी साली कोई तेल कतर रही अंदर से, गुस्सा तो खूब आया। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं, तो उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद, और उन्हें तो सब निपटा गई जोरदार, और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके, इडली सांभर बनाया मम्मी, रखा है तुम्हारा, खा लो। अब सास ने बोला था खाए जब ही मुंडा से निकालना, निकाली चल गई भूखे मारे से, खाना करे खाई, फिर मुंडा में सुपाड़ी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने अपशब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब खूब बोली, पति को भी बोली जो बोलना था बोला, बोला तो अभी बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपाड़ी कतर ले बस। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बिचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे, झाड़ू माड़ू लगा लू के मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी तो उठ के उसने, क्योंकि सास को मालूम है ये उठेगी 8:30 बजे तक, तो मैं 6:30 मैं क्यों जल्दी उठूँ, 7 बजे उठू, तो वो उठ उठा के पोछा मोछा झाड़ू लगा लू के, और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डुकरिया के मालूम पड़ा सियोर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा, अब इनके कई मालूम कि सुपाड़ी मुंडा में चुप चुप क्या बोले। सास को लगा काम कर गई सुपाड़ी,
बहू सुधर गई, चाय लिया इतना साल में नहीं लिया, झाड़ू भी लगा भुनसारा सुट गई सुबह से। दोनों के खुश, अब वो भी खुश ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए, अब तो बहुत तेल लगा दे सास के, लाव में लगा दो मुंडा में सुपारी। अब तो मन में आ रहा कि सुपारी निकाल के फेंक दूं, पर 10 दिन की है, दवाई तो पूरी ही रखना पड़ेगा 10 दिन। खूब प्रेम से अब बहू ने कहा मम्मी मैं गाड़ी चलाना सीख गई, चलो पीछे बैठो मैं तुमको बाजार घुमा लू। हड़ताली का तीजा रही तो साड़ी माड़ी दिलाई, साड़ी माड़ी दिलाई, लोग भुड़ भुड़ा के और लाई लाई में सब आ गई। अब बस गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पल्लू भी उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू भी डालते, बहू को बड़ी खुशी हो हमारी टुकड़िया कितना मेरा ध्यान रखे। और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी ने, फिर भी खुश, कोई दिक्कत, बढ़िया प्रसन्न हो रही ना, तो बहू सुधर गई तो प्रसन्नता कितनी आए। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची, सुपाड़ी दी, गुरु जी बड़ी कृपा हुई हमारी बहू तो 5वें दिन ही सुधर गई थी। महाराज जी बोले बहुनी सुधरी तू सुधर गई, मुंडा से बोलना कम कर देनी तो आधी लड़ाई तो यूज खत्म, पर खाया बिना रह जाऊं ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले बोल दिए, बोला बिना नहीं। बात तो यही अड़ी रही, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज ही नहीं बोल पा रहे हैं, तुम पहले खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं, नहीं बोला, बोलने में तो लड़ाई है, बोले ही नहीं। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, चकाचक रहिए, किसके लिए रोओगे, किसके लिए कहोगे मस्त।